अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज उस संदर्भ में ऑनलाइन होना पड़ा है कि जिस जो झुग्गी है, झुग्गी झोपड़पट्टी है, उसकी बहुत ही चर्चा चल रही है। शायद आपको पता होगा कि कौन सी झुग्गी झोपड़पट्टी की मैं बात कर रहा हूँ। जो अभी कुछ दिनों से, एक साल से बहुत ही काफ़ी चर्चे में रहा है, जिसका नाम है सहकार नगर और एकता नगर। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग मुझे, कुछ साथी मेरे दोस्त मुझे पूछते हैं कि भाई सहकार नगर और एकता नगर के आपके पास कुछ समाचार है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कब टूटने वाला है, कहाँ घर देने वाले हैं, कितने फ्लोर के घर देने वाले हैं, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, और मैं गलत जानकारी देकर किसी को गुमराह करने की भी कोशिश नहीं करना चाहता। मैं ऐसा अगर आपको बोल दूँगा कि भाई 4 महीने बाद टूटने वाला है, 1 साल बाद टूटने वाला है, इलेक्शन के बाद टूटने वाला है, ये गलत जानकारी मैं आप तक, आपको नहीं दे सकता, ऐसे नहीं देना भी नहीं चाहता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके बारे में, सहकार नगर के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, और मुझे ना पूछो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे पता नहीं है और मैं गलत जानकारी भी देना नहीं चाहता। मेरे दोस्त लोग हैं, मैं ग्रुप्स में जाकर बैठता हूँ, वो भी मुझे पूछते हैं कि इसमें आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, आप लोगों का क्या कहना है, कब टूटने वाली है। हमारे रिलेशन वाले पूछते हैं, हमारे वहाँ पर काम करने आते हैं हमारी सोसाइटी में, वो लोग पूछते हैं। इसलिए मैं गलत जानकारी आप लोगों तक नहीं देना, मैं मेरे हिसाब से मैं गलत जानकारी मैं खुद नहीं देना चाहता आप लोगों को। और जो लोग, और हाँ, एकता नगर की बात कर दूँ, एकता नगर का मैं कह सकता हूँ क्योंकि अभी वो केस हाईकोर्ट में चल रहा है। एकता नगर की जैसे जानकारी आएगी ऐसे हम दे देंगे आपको। एकता नगर फिलहाल के लिए तो नहीं टूटने वाला, ऐसे मेरी जानकारी में है बात। और जो लोग, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, जो लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं कि जिधर 5-7 हज़ार रुपये किराया घर होता है, तो वहाँ पर लोग 10 हज़ार किराया तुरंत ही कर देते हैं और 30 या 40 हज़ार कुछ डिपॉजिट लेते हैं, ये उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। और साथियों, मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग शायद मेरा वीडियो देखे ना देखे, जिसको अच्छा लगे ना लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ कि भाई तलावड़ी के बारे में मुझे जानकारी मेरे पास नहीं है। और वहाँ की दूसरी बात, वहाँ की जो लीडरशिप है काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। और कुछ लोग मुझे पूछेंगे वीडियो देखने के बाद भी, और लोग भी पूछेंगे, मुझे पता है पूछेंगे कि भाई टूटने वाला है कि नहीं टूटने वाला, आपके पास जानकारी ना हो ऐसा बने ही नहीं, आपको पता होगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं उन लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ना पूछे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं कुछ जवाब नहीं दे सकूँगा, जवाब देने में समर्थ भी नहीं रहूंगा। शायद मैं ऐसा कुछ, फिर वो आप ही समझ जाइए। फिर जब आप, आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ऐसा ही कहूंगा कि भाई मुझे पता नहीं है। और मैंने आज जिस प्रकार से उधर से गुजरना हुआ, उस गली से जो सहकार नगर की गली है, लोगों ने, बेचारों ने घर सारे तोड़ दिए एकदम, जैसा कि पहले वहां से निकलना होता तो भी दिक्कत होती, तकलीफ होती थी, अच्छा लगता था वहां से निकलते थे तो, और अभी जाकर देखे तो पूरा का पूरा वैरान लग रहा है। और मजबूरी का फायदा उठाने वालों को मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों के पास उनके घर किराए खाली है पर किराए पर नहीं दे रहे, कह रहे कि भाई तलावड़ी वाला है तो उसको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है वो तो उन्हीं से सवाल पूछे तो ज़्यादा बेहतर है। तो उन मजबूरी का फायदा उठाने वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि आज आप किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, कल
आपकी भी मजबूरी का कोई फ़ायदा उठाएगा। इतना ही कहकर मेरी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना।